जब जब सर्दियों की मौसम आती है तो हम इंडियंस को गोवा की याद आने लगती है, लेकिन जैसे ही सर्दियां हमें गुड बाय कहती है वैसे ही हम इंडियंस को हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों की याद आने लगती है। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का बेहतरीन पहाड़ी इलाका है जो अपने ढेर सारे खूबसूरत स्थलों से बिछा हुआ है। अगर यहाँ की प्रकृति से एक बार रूबरू हो गए तो आपको खुद से रूबरू होने में देरी नहीं लगेगी। यहाँ की सादगी भरी मौसम इतनी सुहावनी होती है कि फिजाएं भी खिलखिला उठती है। यहाँ की निर्मल झीले, ऊंचे पहाड़, प्राचीन मंदिरों, ऊंची ऊंची घाटियों, बेहतरीन हिल स्टेशनों और कई सारी फन एक्टिविटीज यहाँ आने वाले पर्यटकों को दीवाना बना देती है। और आज आपको भी हिमाचल प्रदेश के उन तमाम जगहों के सफर पर लिए चलता हूँ जहाँ की हसीन वादियों से आप भी प्रेम कर बैठेंगे। तो देर किस बात की भाई, चलिए डिजिटली निकल पड़ते हैं यहाँ की खूबसूरत कुदरत की सैर पर। शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शहर होने के साथ यहाँ मौजूद लोकप्रिय हिल स्टेशनों की वजह से एक अलग स्थान हासिल कर चुका है। शिमला की मॉल रोड, रेज टॉय ट्रेन, अपनी बेसिक वस्तुकला यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। शिमला 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। खूबसूरत पहाड़ियों और रहस्यमय जंगलों के बीच बसा शिमला भारत के सबसे खूबसूरत जगह है। इनके अलावा शिमला को ब्रिटिश भारत की पूर्ववर्ती ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है और इस शहर की मनोरम प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को यहाँ बार बार आने को मजबूर करता है। मनाली। मनाली पीर, पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बर्फ से ढकी ढलानों के बीच स्थित देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। मनाली समुद्र तल से 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का एक हिस्सा है। मनाली अपने हरे भरे जंगल, फूलों के साथ बिछी घास के मैदान, नीले रंग की धाराओं और ताजगी के लगातार खुशबू के साथ एक असाधारण प्राकृतिक स्थल है। मनाली प्रकृति से प्रेम करने वाले पर्यटकों और प्रेमी जोरों के लिए जन्नत के समान है। गर्मियों का मौसम भी इसकी सुंदरता को फीका नहीं कर पाता। इस हिल स्टेशन पर संग्रहालयों से लेकर मंदिरों तक, नदी के रोमांच से लेकर ट्रैकिंग ट्रेल्स तक, गाँव से लेकर ऊबर खाबर गलियों तक यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है। कुल्लू नदी के बहते पानी की आवाज और पंछियों की आवाजें आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। धर्मशाला। प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति का जहाँ मिलन होता है वहाँ धर्मशाला जैसी जगहों का जन्म होता है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के आकर्षण स्थल का वो क्षेत्र है जो समुद्र तल से 1475 मीटर ऊपर बसा है। यहाँ के बर्फ से ढकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला इस जगह को बेहद खास बनाती है। धर्मशाला को दलाई लामा के पवित्र निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। इसके निचले हिस्से में धर्मशाला शहर और ऊपरी हिस्से को मैक्लोरगंज के नाम से जाना जाता है। धर्मशाला तिब्बती संस्कृति को सीखने और जानने के लिए हिमाचल प्रदेश के बेहद खास जगह है। स्पीति घाटी। हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति घाटी हर तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है जो समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है। स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान, बर्फ से ढके पहाड़, घुमावदार सड़के और सुरमय घाटियाँ यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद उत्साहित करता है। हिमाचल प्रदेश के यह एक ऐसी जगह है जहाँ वर्ष के 365 दिन में महज 250 दिन ही धूप निकलती है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं यह भारत की कितनी ठंडी जगह होगी। स्पीति घाटी में सिर्फ गर्मियों के दिनों में ही मोटर गाड़ी चलती है क्योंकि यह स्थान साल के 6 महीने खुद को बर्फ की मोटी चादर से ढकी होती है। कसौली। चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते में स्थित कसौली एक पहाड़ी छावनी शहर है जो शहर की भीड़ से दूर एक आदर्श शांतिपूर्ण स्थान है। कसौली चंडीगढ़ से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर स्थित है जो अपनी आकर्षण और साहसिक गतिविधियों के अलावा खूबसूरत रिजॉर्ट के लिए जाना जाता है। घुमक्करों के बीच कसौली के लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण यह है, यहाँ हर आयु वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर है। चाहे ट्रैकिंग हो, कैंपिंग हो, राफ्टिंग हो या फिर दर्शनीय स्थल हो या आध्यात्मिक से जुड़ी कोई जगह हो, कसौली शुरू से ही ट्रैकिंग के शौकीनों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए स्वर्ग रहा है। बीर बिलिंग। प्राकृतिक खूबसूरती के बीच बसा बीर बिलिंग भारत की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में जाना जाता है। शांत परिहस्य बर्फ से ढकी पहाड़ियों और कलात्मक मंदिरों के बीच बसा बीर 5,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बीर पैराग्लाइडिंग के लिए न सिर्फ इंडिया में
बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है, जो हर साल वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करता है। इनके अलावा आज के दौर में यहाँ स्थानीय यात्रियों से ज्यादा विदेशी यात्री आते हैं। यहाँ आकर पैराग्लाइडिंग के वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हो, या फिर ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी आजाद पक्षी की तरह आसमान की बुलंदियों को छू रहे हो। कुल्लू। कुल्लू मनाली के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपने मनोरम दृश्यों, देवदार के पैरों से ढकी राजसी पहाड़ियों के साथ एक खुली घाटी है। कुल्लू 1230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ऐसी जगह है जो प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। कुल्लू की हरियाली, प्राचीन नदी और एक अद्भुत जलवायु इसे बेहद खास बनाती है। आमतौर पर हिमाचल आने वाले पर्यटक कुल्लू और मनाली दोनों जगह एक साथ घूमते हैं। कुल्लू और मनाली आने वाले यात्री यहाँ रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण आदि जैसे कई साहसिक खेल गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। कुल्लू में रघुनाथ मंदिर और जगन्नाथी देवी मंदिर बहुत फेमस है। अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो इन मंदिरों की सैर करना न भूलें। किन्नौर। किन्नौर को लैंड ऑफ गॉड के रूप में भी जाना जाता है, जो शिमला से लगभग 235 किलोमीटर दूर पर स्थित है। किन्नौर सतलुज, बसपा और स्पीति नदी के बीच स्थित ऐसी जगह है जो अपने हरे भरे और चट्टानी पहाड़ों की सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह हिंदू और बौद्ध धर्म के भाईचारे की जगह एक अलग तरह की संस्कृति के अस्तित्व को दर्शाती है। जो भी हिंदू पर्यटक इस जगह पर आते हैं तो वे प्रसिद्ध किन्नर कैलाश को देखने जरूर जाते हैं। बताया जाता है कि किन्नर कैलाश भगवान शिव और शिवलिंग का है, और इसके साथ ही पांडवों की कहानियों से भी इसका संबंध बताया जाता है। किन्नौर में आसपास में पुराने बौद्ध मठ और मंदिर भी है, जो अपने आप में ही एक अलग महत्व रखते हैं और बौद्धों द्वारा पूजे भी जाते हैं। कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश की एक दिलकश घाटी है, जहां आपको कुदरत की हसी नजरों के साथ कुदरत के कई करिश्मे भी देखने को मिलेंगी। यहां पर ज्वाला देवी मंदिर में ज्योत की पूजा की जाती है, जो अपने आप कई सालों से ज्वलित है। साथ ही यहां के कांगड़ा किला, ब्रजेश्वरी मंदिर, बैजनाथ मंदिर, कांगड़ा संग्रहालय भी देख सकते हैं। कुफरी। कुफरी हिमाचल प्रदेश के सबसे खास पर्यटक स्थलों में से एक है, जो छुट्टी मनाने वाले स्थानों में सबसे ज्यादा मांग वाली जगह है। कुफरी शिमला से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यदि आप शिमला आ रहे हैं तो इस जगह घूमने के लिए जरूर जाएं। कुफरी अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहां सर्दियों के दौरान सभी जगह बर्फ नजर आती है। वैसे तो कुफरी में ज्यादा कुछ देखने लायक नहीं है, लेकिन यहां के मंदिर और मनोरम दृश्य इस जगह को बेहद खास बनाती है। कुफरी शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए एक स्पॉट के रूप में जाना जाता है, इसलिए यहाँ अपेक्षाकृत भीड़ भी ज्यादा रहती है। तो दोस्तों, यार हिमाचल प्रदेश के टॉप 10 बेस्ट डेस्टिनेशन का रोमांचक सफर। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन लाजमी दबाइएगा। हमारे इस वीडियो को देखकर मन में जो भी ख्याल आ रहा है कमेंट में लिख डालिए, और सबसे जरूरी बात, जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइएगा। धन्यवाद।